नमस्कार, जय मां शारदे। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय लेकर के आई हूँ। ये उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा उपाय है। आपको करना कुछ नहीं है, ये नवरात्रि के दिन ही आपको ये उपाय करना है। जिसको भी किसी भी प्रकार का व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, या फिर जादू टोने का उसको लगता है कि वो किसी जादू टोने के बंधन में है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है, तो उसके लिए आज मैं उपाय बताऊंगी जो आपको नवरात्र में ही करना है, जो बहुत ही सफल और बहुत ही अच्छा उपाय है। आप क्या करेंगे, नवरात्र के 9 दिन वैसे तो बहुत ही शुद्ध माने गए हैं, बहुत ही साफ माने गए हैं। इस दिन में पूजा होती है, अर्चना होती है और माता रानी का जगराता करते हैं हम लोग, माता रानी के गुणगान गाते हैं। तो आज अगर हम ये उपाय करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। ये व्यापार में अगर आपको लाभ नहीं हो रहा है और जादू टोने से किसी भी प्रकार की बंधन है, आपको ऐसा फील हो रहा है या किसी ने कुछ कराया है, तो इसको करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही सरल उपाय है। आपको करना यह है कि आपको नवरात्र के दिन 5 नींबू ले लेंगे। नवरात्र में किसी भी दिन, 9 दिन में किसी भी दिन आप 5 नींबू ले लेंगे, शुद्ध और साफ नींबू लेंगे। शुद्ध और साफ नींबू मतलब कहीं से दाग ना हो, कटे फटे का निशान ना हो, तो आप शुद्ध और साफ नींबू ले लेंगे। और नींबू ले लेंगे और नींबू लेने के बाद इन नींबू को काट लेंगे ऐसे करके। एक नींबू जो कटता है सलाद के रूप में, वैसे नहीं काटना है, इसको सीधा जहां से तोड़ते हैं वहां से काट लेंगे, 5ों नींबू काट लेंगे। और एक मुट्ठी आप पीली सरसों ले लेंगे, एक मुट्ठी भर के, जितनी भी मुट्ठी आएगी पीली सरसों आमतौर पे खाने में यूज होती है, आप पीली सरसों ले लेंगे। और काली मिर्च भी ले लेंगे, एक मुट्ठी सरसों एक मुट्ठी काली मिर्च ले लेंगे। और ले करके जहां आपका व्यापार जो चल नहीं रहा है वहां जा करके इसको रख देंगे। किस दिन आपको करना है, नवरात्र में ही करना है आपको, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। नवरात्र में आप इसे रख देंगे। क्या क्या ले लेंगे आप काली मिर्च एक मुट्ठी ले लेंगे, एक मुट्ठी आप सरसों ले लेंगे और 5 नींबू ले लेंगे जिनको काट लेंगे। पूरा नहीं काटेंगे, आधा ऐसे जुड़ा रहेगा, ऐसे बीच से काटेंगे उसको। और कहां से काटेंगे, जहां से आप तोड़ेंगे वहां से उसको काटेंगे। और काटने के बाद आप उसको जहां पे व्यापार आप वहां उसको रख देंगे। और रखने के बाद उसके दूसरे दिन होकर के सुबह नहा धो करके ये सारी सामग्री वहां से उठा लेंगे। और उठा करके कहीं दूर जा करके जहाँ सुनसान जगह हो, जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, वहाँ जा करके ये सामान गाड़ देंगे। तो आपको देखिएगा लाभ जरूर प्राप्त होगा और व्यापार में भी वृद्धि होने लगेगी। और जादू टोने का जो भी आपका, जिस बंधन में आप बंधे हैं, वो बंधन भी आपका, आप उस बंधन से भी मुक्त हो जाएंगे। ये क्रिया करिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। प्लीज़ आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि मेरे उपाय आपको कैसे लगते हैं या किस हद तक आपको कारगर कर लगते हैं, क्योंकि मेरे गुरु की मेरे ऊपर असीम कृपा है। और जो मैं उपाय आपको बताती हूँ वो सारे मेरे पूर्वजों और मेरे गुरु जी ने मुझे बताए हैं, इसलिए मैं आप तक ये संदेशा पहुँचाती हूँ कि अगर आप ये उपाय करेंगे, ये टोटका करेंगे, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो अगर आपको व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, लाभ नहीं हो रहा है और किसी भी जादू टोने की आपको बंधन से मुक्त होना है, तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको जरूर लाभ होगा। प्लीज़ ये उपाय करने के बाद आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे लाइक कर दें और मुझे कमेंट जरूर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा चैनल आपको कैसा लगता है, मेरे उपाय आपको कैसे लगते हैं। अच्छा लगता है तो भी बताइए, और अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो भी बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी तो मैं जानूंगी कि मेरे उपाय आपको कहाँ तक लाभ पहुंचा रहे हैं। बस आपसे यही विनती है। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी मैं, अगले वीडियो के साथ में फिर आपको एक नए उपाय के साथ में मिलूंगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।